अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज के अनकट का दूसरा सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट ये है कि जब अकबरुद्दीन अटैक केस में मोहम्मद पहलवान और दूसरे जेल से बाइज्जत बरी हुए थे, तब मोहम्मद पहलवान ने चरलापल्ली जेल के रूबरू एक चैलेंज किया था। और वो चैलेंज क्या था, आइए देखते हैं एक नजर। 2019 का 2019 उसके अंदर हम कैसा करना है, कैसा छोट मारना है, क्या करने का है, हम हमारे साथ करेंगे इंशाल्लाह। तो नाजरीन, मोहम्मद पहलवान के इस चैलेंज के बाद तमाम लोग ये समझ रहे थे कि 2019 में जो इलेक्शन आएगा उसमें अकबरुद्दीन अवैसी को बारकस से काफी परेशानी होगी। मैं खुद भी यही समझ गया था कि इस मरतबा अकबरुद्दीन अवैसी को काफी टफ होगा, लेकिन किस्मत देखिए आप, शायद हो सकता है कि मोहम्मद पहलवान ने 2019 में आने वाले इलेक्शन की बात की थी, इत्तेफाक से इलेक्शन 2018 में आ गया, लिहाजा ऐसा महसूस किया जा रहा है कि उनका चैलेंज बेकार हो गया। खैर छोड़िए, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसा कि सोचा जा रहा था वैसा कुछ हुआ तो नहीं। अब क्या है, कैंपेनिंग के लिए एक दो दिन बाकी है, 7 दिसंबर को पोलिंग है और बारकस की आवाम नंबर वन साबित हो चुकी है अकबरुद्दीन अवैसी के कैंपेनिंग पैदल दौरे रैलीज को कामयाब बनाने में। आइए देखते हैं। चलिए अब चलते हैं हम याकूतपुरे की तरफ। हमारे ट्रबल शूटर याकूतपुरे के इंचार्ज यासर अरफात को गुस्सा आ गया और गुस्सा भी ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि टांग पे टांग रख के चीर दूंगा। 7 दिसंबर को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक वो आवाम के बीच में रहेंगे और जो भी होगा वो देख लेंगे। आइए सुनते हैं एक बार। सुबह 7 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक आपके दरमियान में रहूंगा। कौन मैं काला क्या करता है, वो सुनिए। 4 साल में 5 साल में निकल के आगे वो बोलते भगवान पास का के बहुत दिन वैसी से आपके भाग रहे परमान शेखर मुझे मोड़े पकड़ पड़ रहे हैं और बता दो मैं पैरों पर छीदा था तुरंत बरहाल नाजरीन, मुझे तो ये इलेक्शन काफी पेचीदा दिख रहा है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है क्या होगा, अल्लाह को मालूम। ये था आज का हमारा अनकट का दूसरा सब्जेक्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।